भगवान की शादी हुई, एक शादी नहीं हुई, भगवान की 16,109 विवाह हुए। इधर घर में ईंधन नहीं रहा, एक दिन गुरमैया बोली बेटा घर में ईंधन नहीं, भगवान बोले चिंता मत करो। दोनों बालक का सुदामा और कन्हैया जब जंगल के लिए चले तो गुरमैया ने बुलाया, चने दिए, कहा जब भूख लगे मिलकर के चाप लेना। दोनों बालक जंगल में पहुंचे, माँ को महीना भूर रात पानी पे पानी आ रहा। जब सुबह हुआ सुदामा नीचे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे, भगवान लकड़ियों को तोड़ रहे हैं। जब सुदामा को भूख लगी जो चने बांधे थे वो अकेले अकेले चब लिए, भगवान को नहीं दिए। उन्हीं चनों के बदले में इधर भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया, जाओ सुदामा मुझसे आपने कपट किया, मैं आपको श्राप दे रहे गुर से कपट मित्र से चूड़ी, कहे हुए निर्धन कहे हुए घोड़ी। जिन चनों के इन्हें चनों के बदले तुम दर दर भीख मांगोगे। अब दोनों बालक जंगल के से लौट आए, शिक्षा पूरी हुई, अपने अपने घर के लिए चले गए। अब सुदामा की सुशीला लड़की के साथ में शादी हुई। अब तो बड़ी गरीबी आ गई, दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा डालना। जब नमक मिले तो मठा नहीं, जब मठा मिले तो नमक नहीं। एक घर मांगे 10 घर मांगे मुट्ठी भर आटा नहीं मिलता। एक दिन सुशीला बोली पिया क्या बात है, जिस दिन से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ पेट भर के भोजन नहीं मिला। सुदामा कहने लगा जब मैं गोकुल में पढ़ रहे थे भगवान से पार्टी थे, एक दिन गुरमैया ने चने दिए, मैंने अकेले अकेले चाप लिए, भगवान को नहीं दिए। उन्हीं चनों के बदले दर दर भीख मांग रहे हैं। तो सुशीला बोली पिया द्वारकाधीश के लिए चले जाओ। बोली जब गांव कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट लेकर के जाता है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुशीला मांगने निकली, जिस घर में जाती है लोग धक्के मार देते हैं। एक गाँव के बाहर एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मणी से कहने लगी बहन हमारे पिया द्वारकाधीश के लिए जा रहे, तेरे पास हो तो खुद दे दे। तो बोले चावल लाए थे वो तो बच्चों के लिए बना दिए, देख ले इसमें कुछ हो तो। तीन मुट्ठी चावल फूंक फूंक करके निकाल लिए, साड़ी फार करके बांध दिए, सुदामा को विदा कर दिया। रास्ते में सुदामा सो गए, और जब रास्ते में सुदामा सो गए हैं तो ऐसा ही नहीं है। श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, भगवान ने योग माया को भेजा, द्वारिका के पास में उठवा लिया। जब जगे सुंदर सुंदर महलों को देखा, बोले कौन सा नगर, बोले द्वारिका छे, बोले कन्हैया है, बोले कन्हैया छे। सुदामा बोले छह से नहीं एक से मिलने आए। एक बोलो भैया जो पूरब से आओ है ता से, पूरब में है लगाओ जात अपने यहाँ छे, यही द्वारिका यही कन्हैया रहती है यहाँ। तो सुदामा द्वारपालों से रिक्वेस्ट करने गए, द्वारपालों कन्हैया से कह दो किशन का मित्र सुदामा मिलने आ रहा है, आया है। जब इतना कहा है तो उसी समय, जब ज्यादा कहा तो द्वारपालों ने बताया भगवान ने दौड़े दौड़े चले आए, सुदामा को सीने से लगा लिया, ऊंचे से आसन पर बैठा लिया। अब बताया गया है भगवान ने वो पोटली इंजली चावल चबने लगे, चावल लाइयो माताओं बहनों। सभी लोग चावल चढ़ावा कर, जो लोग चावल लाए हैं किसी के सती के मित्र मिलने सुदामा जी आए। सुदामा जी आए।
में चावल लाइए वो लोग चढ़ाओ आ जाओ चढ़ा दो आगे सभी लोग चावल चढ़ाते जाओ ठीक है। जो लोग चावल लाए हैं वो सभी लोग चावल चढ़ाते जाओ आ जाओ, जाओ।